रहमतों भरे शबो रोज जिन्हां दी आमद आमद है, अगला चंद नज़र आएगा रमज़ान दा ही नज़र आएगा, और उदे वास्ते असी तैयारी की करनी है। हाँ जी, रहमतों भरे शबो रोज़ अल्लाह दे फदल नाल बयान करने आ, ताकि वो साडे मेहनतां कोशां दे नाल साडे वास्ते भी रहमत बन करके वो दिन आन, वो रातां रहमत बन करके आन, दिन रहमत बरक बन करके आन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर बहुत ही प्यारे अंदाज नाल बयान फरमाया, सूरा आले इमरान आयत नंबर 132 और 136 तक बहुत बहुत सारे मसाइल बयान फरमा छड़े। अल्लाह ने फरमाया फरमाया जी वातीउल्लाहा वर्रसूला, फरमाया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी अतात करोगे, क्यों जो इस वास्ते हुक्म हो रहा है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी अतात और फरमा बरदारी करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताके तुहाडे ते रहम कीता जाए, रहमतां दी बरखा बरसाई जाए। इसे वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया अगली आयत अंदर, फरमाया वसारिऊ इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने अल्लाह दी तरफ रहमत लैण वास्ते, अपने गुनाहों की मुआफी वास्ते दौड़ो दौड़ो, है नी भज के नस के काम करो जी, दौड़ो वसारिऊ जल्दी करो इला मग़फिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से जो मग़फ़िरत है उसको बख्शिश को तलाश करने के लिए दौड़ो जल्दी करो। सुभान अल्लाह, ये अंदर जर्रा बराबर कोताही नहीं करनी। अल्लाह करीम ने फरमाया ओ मग़फ़िरत, जदो मग़फ़िरत हो गई ते जन्नत मिल गई, हालांकि पीछे जन्नत मग़फ़िरत ही जन्नत दा सर्टिफिकेट है, पिछे जन्नत दा तस्करा तरी ना होया इस आयत अंदर, लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया ये दे तो बाद इन्ना जुमलियां तो बाद वा सारे हुँ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अगे फरमाया वा जन्नतिन अर्जु हस्समावातु वल अर्ज। लो है जी, तस्करा हो रहा है अल्लाह दी तरफ मग़फ़िरत वास्ते, रब कोलो बख्शिश तलब करने वास्ते जल्दी करो, देर ना करो। नाल ही फरमाया ओ जन्नत ऐसी है जेदा जेदियां लंबाइयां चौड़ाइयां, जेदी चौड़ाई इतनी ज्यादा है जमीन आसमाना दी चौड़ाई फैलाई जितना, सुबहान अल्लाह, इतनी ज्यादा ओदी चौड़ाई है, अर्ज अर्ज कहंदे ने, हां जी हां जी, यानी तूलो अर्ज अंदर फैली हुई जन्नत जेड़ी जमीन आसमाना नालों भी ज्यादा है, ए दे जनाब ए दे तरह ओदियां बुलंदियां, इसे तरीके नाल ओदियां जनाब लंबाइयां चौड़ाइयां ने फैली हुई है। ओ जन्नत फरमाया ओ इद्दत लिल मुत्तकी, मुत्तकी लोगा वास्ते तैयार कीती गई है, मुत्तकीन लोग तकवे वाले लोगा वास्ते तैयार कीती गई है। सुभान अल्लाह, की मतलब मग़फ़िरत हो गई ते जन्नत मिल गई, क्यों जी तकवे अहले तकवा दियां, अगे अल्लाह ताला ने उना दी तारीफ फरमाई है, अहले तकवा दे लोग उना दे बारे अंदर उना दे अमल बतलाए ने वो की कर देने, फरमाया अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सर्राई वज़र्रा,
जेड़े तंगियां अंदर भी फराखियां अंदर भी अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च कर देने। सुभान अल्लाह, ऐ तकवे वाले दी निशानी है, मुत्तकीन लोग। जी जी, बेशक माल दियां तंगियां क्यों ना होन, तंगी दे आलम अंदर भी खर्च करने वाले मुत्तकीन लोग ने जिन्ना वास्ते जन्नत तैयार की गई है, जन्नत अल्लाह करीम ने बनाई है। फरमाया उना दियां उना दी के ए भी निशानी है, والكاظمين الغيظ। फरमाया गुस्से नु पी जान वाले, والعافين عن الناس लोगां नु मुआफ कर देने वाले, और नाल ही फरमाया والله يحب मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों नेकियां करने वालों बड़ा ही पसंद फरमांदा है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा अंदाज कुराने पाक दा समझाने दा। अल्लाह करीम ने फरमाया सुन लो, ऐ कहे ईमान वाले मुत्तकीन लोगां दियां निशानियां, उन्हां दे औसाफ अल्लाह करीम ने बयान फरमाए ने। पहला वसब, अल्लाह दे दित्ते हुए रिज़क विचों खर्च कर देने, बेशक माल दी तंगी क्यों ना होवे, माल दी फरावानी क्यों ना होवे। दूसरा, गुस्से ते कंट्रोल कर दे ने गुस्से नू पी जान वाले, और तीसरी बात फरमाया लोगां नू मुआफ कर देने वाले। सुभान अल्लाह, इस्लाम फैलिया तलवार दे जोर नाल नहीं, डंडे दे जोर नाल नहीं, गन पॉइंट ते नहीं, इस्लाम फैलिया है ते मुआफ करने नाल। ला तसरीब अलैकुम अल्यौम दे ऐलान करने नाल, क्यों जी इहदे अंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिफाता ने। सुभान अल्लाह, ये सिफता इस्लाम अंदर बड़िया प्यारियां प्यारियां। इसे वास्ते मेरे प्यारे वीर गौर करना, अल्लाह करीम ने फरमाया सुन लो, ये महीना ये दे जनाब रहमता भरे शबो रोज, उन्हां दी आमद आमद देना, इन्हां दे वास्ते असी लोगां ने की करना है। फरमाया मुत्तकीन लोगां दियां निशानियां तकवे वालियां दियां ए भी ने, उन्हां दे औसाफ विचों ए भी ते वसफे ना। फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम, अगर उन्हें तो कोई बेहयाई ते बुराई दा काम हो जाता है, और फरमाया जुल्म कर बैंदे ने अपनिया जाना ते अपने आप ते, अल्लाह दी याद, अल्लाह दी याद अंदर गुम हो जाते ने, यानी अल्लाह दी याद अल्लाह सोने नू याद करते ने। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, अपने लिज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मंगते ने। नाल अल्लाह ने कमाल दर्जेदान जनाब अंदाज अख्तियार किया है, वमन यग़फिरू ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन है जो गुनाहों को बख्शे गुनाहों को मुआफ करे अल्लाह के सिवा। फरमाया अल्लाह को लो माफिया मांगते ने, नाल फरमाया कौन है जो अल्लाह के सिवा गुनाहों को बख्शता है। सुभान अल्लाह, जी मेरे प्यारे वीर हुण ते गल समझ आएगी ना, वमन यग़फिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, नाल उन्हां दी सिफत तकवे वालियां दी, जिन्हां वास्ते अल्लाह ने इतनी वसी औरी जन्नत बनाई है, जिन्हां वास्ते अल्लाह दे इनामात इनामात ने। वलम يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ।
फरमाया ओ लोग के जनाब अगर किसे बा कोई बुराई कर बैंदे ने बुरा अमल उन्हां तो हो जांदा है ओ देते यानी आड़ नहीं जांदे पक्के नहीं हो जांदे बल्कि फौरन मुआफियां तलब कर लग जांदे ने तौबा कर लेंदे ने अगर उन्हां तो कोई गुनाह हो जाए उदे ते जिद नहीं करदे अड़े नहीं रहंदे अड़ नहीं जांदे पक्के नहीं रहंदे बल्कि फौरी तौर ते मुआफियां मंगन लग जांदे ने हाँ जी अगला कि वह जानते ने कि मुआफ करने वाला कौन है अल्लाह है ये भी वह जानते ने कि गुनाह उन्हां तो हो गया है लेकिन इहदा मतलब ये नहीं चल हो गया तो हो गया है हुंदा रहे गुनाह गुनाह तो सर जद करते रहन उन्हां तो गुनाह दा इरतकाब हुंदा रहे नहीं 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 फरमाया उसे वेले मुआफियां मंगदे ने बस नाल ही अल्लाह फरमाया उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम उन्हां दे रब दी तरफो उन्हां वास्ते जज़ा एक है कि अल्लाह उन्होंने बख्श देंदा है सुभान अल्लाह कमाल अंदाज है कुरान पाक दा जी 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 फरमाया इन्हां दा बदला इन्हां दा अजर इन्हां दा सवाब मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम अपने रब की यानी इनके रब की तरफ से मुआफ़ी का ऐलान हो जाता है। मैंने पहले भी पिछली आयत में बतलाया कि मुआफ़ी हो गई तो जन्नत मिल गई इत्थे भी अल्लाह करीम ने एक ही अंदाज अख्तियार किया है मगफरत तो बाद फरमाया व जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फरमाया जन्नत ऐसे बागात ने ऐसियां जन्नत ने कि जिन्ना दे थले जिन्ना दे अंदर नहरां चलदियां ने उस जन्नत बागां दे नीचे नहरां चलदियां ने खालिदीना फीहा फिर उदे अंदर हमेशा हमेश रहेंगे वा नेम अजुरुल आमिली फरमाया ये अमल करने वाले दा अजर जो अल्लाह ने उन्होंने अता फरमा देना है सुभान अल्लाह ये अमल करने वाले वास्ते एक बहुत बड़ा इनाम है जी मेरे प्यारे वीर और फरमा दे आ जाना जनाब मुहद्दिसीन सुभान अल्लाह जनाब ये रमजानुल मुबारक गुजर जांदा पांच पांच महीनियां तक आंसू बहा बहा करके रो रो करके जनाब रो रो करके अपनियां दाड़ियां भगो लेंदे और रोंदिया रोंदिया कहंदे रोंदे क्यों ने पांच पांच महीनियां तक रोंदे रह जांदे ने कि किधरे जनाब पता नहीं साढ़े गुनाह मुआफ हुए या नहीं साढ़े अमल कबूल हुए ने या नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह पांच पांच महीने रोंदे रह जांदे सिर्फ इस तो कि पता नहीं साढ़े अमल साढ़े रोजे साढ़िया नमाजा सदकात खैरात ये पता नहीं कबूल होए या नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह छे छे महीने रमजानुल मुबारक दी आमद तो पहले प्रैक्टिस कर दे यानी रोदे रख दे लंबे लंबे कयाम रुकू लंबे लंबे सजदे और सदकात खैरात इस वास्ते कि ये चीज़ा ये अमल आदत बन जान आदत में शामिल हो जान इस वास्ते वो छे छे महीने बड़े ज़्यादा रोज़े रखते बड़े लंबे लंबे क्याम करते लंबे लंबे सजदे ये ना होवे क्यों इस वास्ते कि माहे मुकद्दस दे अहकामात बजा लियावण दे अंदर किधरे थकावट और उकताहट महसूस ना करन अल्लाह अकबर कैसे लोग आज जैसी प्रैक्टिस नहीं करते क्यों जी रोजिया च एक पाइया कुरान पढ़ना होता है ना तीन चार रहता एक तरावी अंदर नफलों के अंदर बंदे कहते नहीं खड़ा आया जाता यानी सेहत इतनिया बर्बाद कर लिया ने असी लोगों ने आराम पसंदी
सहल पसंदी, क्यों जी सेहत की जड़ मार के रख देती है, प्रैक्टिस ही नहीं, कुछ शौक ही नहीं रहा। मस्जिदा खाली एडिया एडिया वड़िया वड़िया मस्जिदा के अंदर मसौकात पांच दस बंदे नमाजी चा पांच दस चंद बंदे होंगे ने, कोई शौक ही खत्म हो गया। और शौक जिन्होंने है उन्हों की प्रैक्टिस नहीं गई, वो कहें खड़ा होया ही नहीं जाता, इन्ना चिर बैठे ही नहीं जाता। वो कभी खड़ा होवे तो रब दे अगे तेन पर तेरी आदत बने, अगर खड़ा होना ही नहीं, सजदा लंबा करन दी आदत ही नहीं है जी, रोजे ज्यादा रखन दी आदत ही नहीं, फिर साल बाद रोजे वो भी मुश्किल हो जाते हैं, फर्ज रोजे भी मुश्किल हो जाते हैं। मेरे मीर रहमत तो भरे शबो रोज ते आणगे, चंद नजर आएगा शुरू हो जाएंगे, क्यों जी, लेकिन उन्होंने वो रहमतों नू असी पता नहीं लुट सकीए या ना लुट सकीए। अज तो तैयारी शुरू करिए, ऐ शाबान का महीना जिहड़ा शुरू होया ना, चंद नजर आ गया, इस महीने की इब्तदा हुंदी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखने शुरू कर देंदे। अम्मी ऐशा फरमांदियां ने कि मैनू इस तरह महसूस होंदा कि हजूर सारा महीना रोजे रखी जाणगे, रोजे रखते मुसलसल रखी चले जाते, छड़दे ते फिर छड़ देंदे, क्योंकि अगे रमज़ान आने वाला हो जाता। ठीक है, अल्लाह अकबर अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर इधर वेखना जरा, तिरमिज़ी शरीफ दी सही सनद नाल हदीस मौजूद है, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रागिम अन्फ रजुलिन दखल अलैहि रमज़ान, फरमाया उस बंदे दी नाक खाक आलूद हो जेदी जिंदगी दे अंदर रमजान आ गया और बगैर बख्श दे उन्हें अपने गुनाह मुआफ नहीं कराए ते चला भी गया। अल्लाह अकबर, रागिमान फुर्रजुलिन इदा माना बनता है वह बंदा हलाक हो गया है जी, नाक खाक आलूद हो यदा लुघवी तर्जमा है जी, और यदा मफहूम यह बनता वह बंदा हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया है जी। जी जी केड़ा बंदा जी जी दखल अलैहि रमज़ान, ओदी जिंदगी अंदर ओदे कोल रमज़ान आया, थुम्मन सलखा कबल अयुग़फ़र लह, यानी ओदी बख्शिश होने तो पहले चला भी गया, रुखसत हो गया। वो बंदा की हो गया, कौन है, हलाक हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, रागिमान फुर्रजुलिन वो बंदा बर्बाद हुआ, हलाक हुआ। अल्लाह अकबर, जिस बंदे दी जिंदगी अंदर रमजान जैसा है जी रहमता भरे शबो रोज लेकर के आया, लेकिन ओदी मुआफी ना हुई, महीना गुजर गया ते वो गुनाह ना बख्शवा सकिया, अल्लाह कोलो मुआफी ना मंग सकिया अपने गुनाहों की, तो बस उते बंदा हलाक ही हो गया। किड़ा टाइम आएगा, किड़ा वक्त आएगा, जदों रमज़ान दे महीने दे अंदर हर रात अल्लाह समाने दुनिया ते आके आवाज़ा लांदे ने, है कोई ऐसा बंदा जिहड़ा बीमार होवे जिन्हों तंदुरुस्ती ना मिलती होवे, मैं उन्हें शिफा अता फरमा देवा, है कोई बंदा जिहदे गुनाह ज़्यादा हो गया होण मैं उहदे गुनाह बख्श देवा, मेरे कोलों गुनाहां दी माफ़ी मंगे, है कोई इंज दा बंदा कि जिहदे कोल औलाद नहीं मैं औलाद वाली नेमत अता फरमा देना, है कोई इंज दा बंदा जिहदी औलाद ना फरमाने मेरे कोलों दुआ करे मेरे कोलों मंगे मैं उहदी औलाद नूं फरमा बरदार बना देवा। सुभान अल्लाह जी, मेरे प्यारे भाई, अल्लाह अकबर अल्लाह। बुखारी मुस्लिम दी हदीस है, मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोजा, सुभान अल्लाह, अल्लाह उस रोजेदार दे, एक रोजा रखने वाला बंदा, ये नफरी रोजे की बात हो रही है, फर्जी रोजा दे पता नहीं कितनी अहमियत का मालक होएगा। फरमाया एक रोजा नफली रखने वाला बंदा, अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नू जहन्नम दी आग तो 70 साल दी मुसाफत दे दूर रखणगे। अंदाजा लाया कदी है, यानी
ਉਹਦਾ ਉਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਹੈਂ, ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂ। ਹੈਂ, ਦਾਊਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਜੀ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅੱਬਾ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, 3 ਰੋਜ਼ੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾ ਦੀ ਹਰ ਨੇਕੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਭਰੇ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੋਇਆ ਕਿ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾ 1 ਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਬ 10 ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, 3 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਸਰਜ਼ਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 6 ਸਾਆਤਿਨ, 6 ਸੈਕਿੰਡ, ਲਹਜ਼ੇ, ਲਮੇ ਲਮੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਏ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ 6 ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 6 ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ 1 ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਨੇਕੀ 1 ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 10। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਜੇ ਤਕਾਬਲੇ ਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 3 ਬੰਦੇ। 1 ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਦਾਵਾ ਤੁਸਾਇਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। 1 ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ, ਠੀਕ ਹੈ? 1 ਦੂਸਰਾ ਦਾਵਾਤੁਲ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਦੁਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦੁਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹਾਲਾ ਛੱਡੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਦੁਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਲਬਲੀ ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੀ ਮੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ
بد دعا تو بچے تھے مظلوم نال کدی بھی کسے تے ظلم نہیں کرنا ہے جی ظالم نہ بن اللہ اکبر اللہ اس واسطے تیسرا وہ بندہ ہے فرمایا دعوت المسافر مسافر دی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا جی بخاری شریف دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے نکاح کرو میرے نبی نے نوجوانوں نے کیا نکاح کرو نکاح نو عام کرو ہے جی نکاح کی کرتا ہے تے فائدے کی ہوندے نے اغض للبصر فرمایا جی جی میرے نبی نے فرمایا کہ نظراں دی جھکان دا نظراں نو جھکان دا سبب بندا ہے وا احسن للفرج اور بندے نو برائیاں تو روکدا ہے جناب اونوں گناہ تو زنا تو بچاندا ہے جناب اللہ اکبر اللہ ہے جی پھر بھی اگر کہ کوئی بندہ نکاح دی طاقت نہ رکھے تے روزہ رکھے ہاں جی روزے زیادہ رکھے روزے رکھن نال بھی بندے دی خواہش کنٹرول ہوندی ہے مسلم شریف دی ایک ہور حدیث سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دے شب و روز تیرے گناواں دا کفارہ بن جان گے اللہ گناہ معاف کر دے گا جی جی میرے پیارے ویر سیارو اعلی من نبالا ادھے اندر حضرت عبداللہ بن عمر دا قول موجود ہے حضرت عبداللہ دے نام عمر فرما دے نے میرے ابا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں بہت زیادہ روزے رکھیا کر دے سن انہاں دا عمل دسیا عبداللہ بن عمر نے اللہ اکبر اللہ جی اے میرا بھی ذاتی مشاہدہ ہے جڑے بندے روزے زیادہ رکھتے ہیں بیمار بہت تھوڑے ہوندے ہیں بیمار گھٹ ہوندے ہیں روزے رکھنے والے بندے کیونکہ روزہ بہت ساریاں بیماریاں کینسر جیسے موذی مرض دا علاج وہ بھی روزہ دسیا ہے غیر مسلم ڈاکٹروں نے ریسرچ کیتی ہے انہوں نے روزے دی گل نہیں کہی انہوں نے کیا سال دے اندر یعنی 25-30 دن بندہ بھکھا رہ جائے 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے بھکھا رہ لے نا وہ بندے نو کینسر نہیں ہوتا بیماریاں نہیں لگتی اندازہ لگاؤ بڑیاں بڑیاں جدو بندے نو بھوک لگتی ہے نا اس ویلے وہ جڑے بیمار بیماریاں نو وہ دے وہ بھوکھو دی کھانا شروع کر دیندی ہے بندہ صحت مند رہندا ہے روزے رکھن والا بندہ صحت مند رہے گا جی بہکی دے اندر ان تابعین اور محدثین دا سبحان اللہ انہاں دا عمل موجود ہے سعید بن حجاج اور سعد بن ابراہیم سعید بن المسیب وقی بن جراح اور اسی طرح محدثین دیگر تابعین اکثر روزے رکھا کردے سن بہت زیادہ اور سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ دن نو روزہ رکھ دے تے نال سخاوت بھی کر دے روزہ رکھ کے سخاوت بھی کر دے تے رات نو انہاں نے شیڈول بنایا ہویا سی کہ ضرور رات نو اللہ دی عبادت کرنی سبحان اللہ دو دو تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے رات نو ہاں جی عبادت کر دے اللہ دی سبحان اللہ اے دیکھو نا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان ذنورین انہاں دا پانی بند کر دیتا گیا ہے 50 دنوں دا محاصرہ 50 دنوں دے اندر انہاں نو 40 دن انج دے گزرے نے پانی انہاں تک نہیں پہنچنے دیتا گیا راشن بھی نہیں پہنچنے دیتا گیا ایک بندہ کہندا ہے میر عثمان جی 40 روز بیت گئے نہ تواڈے تک پانی پہنچنے دیتا جا رہا ہے نہ راشن پہنچنے دیتا جا رہا ہے گزارا کیویں کردے ہو حضرت عثمان فرما دے سن جدوں مینوں ترے لگ دیئے میں روزہ رکھ لینا تے جناب ہاں جی بھوک لگ دیئے تے روزہ رکھ لینا پیاس لگ دیئے تے قرآن دی تلاوت کر لگ جانا سبحان اللہ اپنی پیاس دا علاج
कुरान पाक दी तिलावत नाल कर लेना ते भुख दा इलाज रोजे नाल कर लेना। सुभान अल्लाह, अंदाजा ते लगाओ ना इन्हां लोगां दे शबो रोज किस तरीके नाल गुजरदे सड़ना। दाऊद बिन हिंद 40 साल रोजा रखते रहे। 40 साल रोजा रखिया लेकिन बीवी नूं भी पता नहीं। ला ला अकबर, वो किवें? तुसी हैरान होवोगे किस तरीके नाल हो सकता है। एक कपड़े दे ताजर सन, कपड़ा फरोश सन। दाऊद बिन अबी हिंद एक कपड़ा फरोश, ते घरों बीवी ने खाना पका के देना, उन्हें खाना और सदका कर देना। रोजा रखा हुंदा सी, रोजा रख के टुट जाना, रात नूं आना ते रोजा अफतार करके आना, बीवी नूं पता ही नहीं। 40 साल रोजा रखते रहे ते बीवी नूं खबर नहीं। दासा कैसे लोग सन जिन्हां दा अल्लाह नाल, सिर्फ अल्लाह नाल ताल्लुक सी। लोगों वास्ते नहीं कुछ करते सन, अल्लाह की रजा वास्ते। सुभान अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर, अहदीसे सैया दे अंदर ये बात वाजे तरह रोजे रोशन की तरह मौजूद है। और जनाब इबने उमर दा भी ये बिल्कुल अमल है कि रोजा अफतार कर दे, बगैर मिसकीन दे रोजा अफतार नहीं कीता करदे सन। अपने दस्तरखान ते अफतारी दे उत्ते किसे मिसकीन नूं, गरीबड़े नूं नाल बिठा के आप भी रोजा अफतार करदे, उन्हूं भी खाना खिलांदे। कैसा अमल सी उन्हां लोगां दा है जी, रहमतों भरे शबो रोज। इन्हां दी आमद आमद है सही मुस्लिम दे अंदर, सही मुस्लिम शरीफ अंदर ये बात मौजूद है। सही मुस्लिम दे अंदर ये बात वाजे तौर ते मौजूद है कि जनाब मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दे नबी फरमा दे ने, रोजेदार अगर फोश गोई ना करे, किसे नू गाल ना कड़े, जहलियत वाले काम ना करे, अगर कोई बंदा उहदे नाल उहनू गाली देंदा है या लड़ना चाहता है, अगो इतनी गल आख देवे, इन्नी साइमुन। दो वेरी हदीस दे अल्फाज मौजूद ने, कह देवे मैं रोजे नाल हाँ, ओ मियाँ मैं रोजे नाल हाँ। अल्लाह करीम इस सबर दे बदले इन्हें सबर कीता है, लड़िया नहीं, झगड़िया नहीं, गालियां सुन के भी गुस्से अंदर नहीं आया, बस इन्नी साइमुन कह छड़िया है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, वस्सबरु सवाबुल जन्ना, सबर दा बदला अल्लाह करीम ने जन्नत रखे आए। सही बुखारी शरीफ दी को होर हदीस आ गई, अल्लाह दे नबी रमजान मुबारक दे महीने दे अंदर काना अजवादा बिल खैरी मिनर रीहिल मुरसला, मेरे नबी रोजिया दे महीने दे अंदर इतना ज्यादा सखी बन जाते, इतनी सखावत कर दे, इतना सदका खैरात कर दे, जिमें तेज हवा चल दिए इस तरह मेरे नबी सदका कर दे इतना ज्यादा। जी जी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजियां दे शबो रोज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किवें गुजारिया करदे सन। अल्लाहु अकबर, ये जनाब रोजा ख्वाहिशात नूं कुचलने दा नाम है। रातां नूं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफतारियां करना, सहरियां करना, क़याम करना, तिलावत कुरान करना और नाल इतकाब बैठना। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां रातां दे अंदर लैलतुल कदर दी तलाश फरमांदे, लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फिशार, हजार महीने नालों बेहतर। हजार महीने की इबादत एक पासे, एक घट तो घटे, बाकी जिन्ना तेरा खलूस ज्यादा होएगा उन्नी इस इबादत का, एक रात की इबादत का सवाब भी बढ़ जाएगा। यह 83 साल की इबादत, गोया कि बंदा 83 साल इबादत ही लग्या रहा। लैलतुल कदर की रात को अगर वह पा लैंदा इबादत करता है,
ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਪੰਜ ਰਾਤਾਂ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੀਆਂ, 21ਵੀਂ 23ਵੀਂ ਔਰ 25ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਔਰ 29ਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਅਤੇ ਸਵਾਬ ਏ, ਬਿਹਤਰ ਆਇਆ, ਖੈਰ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਿਹਤਰ ਕਿੰਨੀ ਏ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਖਲੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਅੱਲਾਹ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਈਦ ਦੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਦ ਦੇ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਖੈਰਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਹੱਜਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਿਆਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਉਸ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ।